अपने सादे अंदाज और खूबसूरत स्माइल से दर्शकों का दिल जीतने वाले शशि कपूर लड़कियों के फेवरेट हुआ करते थे। शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को कोलकाता में हुआ था। उनके अंदाज की दीवानी लड़कियां उन्हें पर्दे पर देखकर आहें भरा करती थी, लेकिन एक ऐसी लड़की थी जिसे पर्दे के पीछे देख शशि कपूर अपना दिल दे बैठे थे। ये लड़की बॉलीवुड से नहीं थी, ना ही ये शशि कपूर की कोई फैन थी, बल्कि ये तो सात समुंदर से पार आई थी। शशि कपूर ने जेनिफर को पहली बार मुंबई के रॉयल ओपेरा हाउस में देखा था। वहाँ एक कार्यक्रम था जिसमें जेनिफर भी पहुँची थी। शशि कपूर ने जब स्टेज के पीछे पर्दा हटाकर ऑडियंस की तरफ देखा तो वहाँ जेनिफर को पहली नजर में ही दिल दे बैठे। ब्लैक एंड व्हाइट पोल्का डॉट्स वाली ड्रेस पहने इंग्लिश एक्ट्रेस जेनिफर ने शशि कपूर को दीवाना बना दिया। शशि और जेनिफर की पहली मुलाकात एक कंफ्यूजन की वजह से हुई। दरअसल कोलकाता के एम्पायर हाउस ने जेफरी के शेक्सपियराना और पृथ्वी थिएटर्स को परफॉर्म करने के लिए एक ही तारीख दे दी थी। इस कंफ्यूजन के बाद ये फैसला लिया गया कि दोनों ग्रुप एक दिन छोड़कर अगले दिन परफॉर्म करेंगे ताकि दोनों को पूरा समय मिले। पहले दिन बैकस्टेज हुई एक मुलाकात के बाद ही 18 साल के शशि कपूर और 23 साल की जेनिफर को प्यार हो गया था। अभी ये लव स्टोरी शुरू ही हुई थी कि इसमें मुसीबतें आनी शुरू हो गई थी। 80 के दशक की फिल्मों वाली टिपिकल लव स्टोरी की तरह इनकी राह भी आसान नहीं थी। जेनिफर के पिता ने अपने थिएटर ग्रुप शेक्सपियराना के लिए शशि कपूर को पृथ्वी थिएटर से उधार पर लिया था, लेकिन वो अपनी बेटी जेनिफर से शशि कपूर की शादी के खिलाफ थे। वह शशि के अंग्रेजी बोलने के अंदाज को लेकर उनका मजाक उड़ाया करते थे और जेनिफर की वजह से कई बार उनसे झगड़े में उलझ जाते थे। शशि और जेनिफर दोनों मिलकर जेफरी को मनाने की कोशिशें करते थे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। लंबे समय तक कोशिश करने के बाद शशि और जेनिफर ने शेक्सपियराना छोड़ दिया। विदेश में उनके शो कैंसिल होने लगे तो शशि कपूर ने मदद के लिए बड़े भाई राज कपूर से बात की। भाई ने मदद मांगी तो राज कपूर ने मुंबई की दो प्लेन टिकट भेज दी। दोनों मुंबई लौटे तो कपूर परिवार ने शशि और जेनिफर की शादी करवा दी। इन दोनों के तीन बच्चे करण, कुणाल और संजना हैं। तीनों में से कोई भी अब एक्टिंग करियर में नहीं है।